नंदी टेम्पल जो है जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे घर से लगभग 20 मिनट का रास्ता है, तो नेक्स्ट 20 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे फटाफट से। एंड थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है तो लग रहा है कहीं प्लान ना स्पॉइल हो जाए, देखते हैं क्या होता है। अब हम आ गए हैं ये बड़े से बजरंगबली के मंदिर में। ये एक्चुअली प्लान में नहीं था, पर ये नई मूर्ति है जो हमने अपने सामने बनते हुए देखी है, तो मैं आपको एक दिखाती हूँ इनका प्यारा सा व्यू। हम पहुंच गए अब नंदी टेंपल। रास्ता तो पता नहीं 6-7 महीने से बनी रहा है, कोई उम्मीद नहीं है कि अभी बनेगा इन द नियर फ्यूचर, मगर ये है नंदी टेंपल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वर्थुल को कनेक्ट करने वाला रास्ता है, और मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि हम यहाँ पर आते हैं संडे के संडे, जितना पॉसिबल हो पाता है जितने संडेज उतने हम आते हैं यहाँ। काफ़ी बड़ी पार्किंग है और काफ़ी बड़ा एरिया है, तो चलिए देखते हैं कैसा है ये। तो हम आ गए हैं अब नंदी टेंपल, चलिए देखते हैं ये कैसा है। अभी फ़िलहाल इसकी हालत ख़राब हो गई है, या बोलें कि कर दी है लोगों ने। ये पहले और भी ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत सुंदर लगता था क्योंकि पूरी ग्रीनरी थी। अगर आप मेरे पीछे जहाँ पर जो एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में बहुत अच्छी ग्रीनरी हुआ करती थी, और अभी ये थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। तो चलेंगे मंदिर के अंदर थोड़ा पूजा करने के बाद वापस घर। तो ये है वो नंदी टेम्पल जहाँ पर हम आ जाते हैं हर संडे के संडे लगभग, और यहाँ पे अलग अलग भी भगवान जी के सारे मूर्तियाँ हैं, तो छोटे छोटे भी टेम्पल्स बने हुए हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है, एंड जिन लोगों को आइडिया है थोड़ा सा भी कि साउथ में सारी ज़्यादातर सारी टेम्पल्स में जो मूर्ति है वो ग्रेनाइट वगैरह की बनाई जाती है, तो इस वजह से सारी काली नज़र आती है, तो आपको पूरा क्लियरली तो नहीं समझ में आएगा फेस। According to a child over here, this temple was constructed back in 1970s or 80s around, and the area is called as Bashveshwara. Is that right? Shibel Basheshwara temple near Komasandra. Okay, near Komasandra. Got it. Thank you. ये भी एक यूनिक सा यहाँ पर है। रांची झारखंड निम्बी में अपार्टमेंट। ये मंदिर का एक क्लोजअप हम बना ले रहे हैं, इधर से एंट्रेंस भी दिखा देते हैं। यहीं पे हमने अपनी गाड़ी की भी पूजा की थी, क्योंकि बहुत शांत शांत है, खाली खाली सा है, बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। Wow, what? They are constructing something about over here. Chitra. Chitra meaning? Marriage hall. Oh, marriage hall. That side. That side. This marriage hall. This is the marriage hall, and that one? Bathroom. Oh, wow. Nice. According to that kid, this is going to be a marriage hall.
And at the other side that you see are the washrooms that are getting constructed. And the huge Nandi idol is present over there. So यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक नंदी का idol है जो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया आप लोगों को. तो इस जगह को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जा रहा है. इतना खूबसूरत है ये, कितनी अच्छी हरियाली है, एकदम शुद्ध वातावरण. तो अब हम चलेंगे नंदी का एक क्लोजअप देख लेते हैं. बहुत बड़ा साइड है जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है. एंड ये तो अभी ग्रेनाइट का बना हुआ है. इतना बड़ा आइडल मैंने तो नहीं देखा कभी भी अपनी लाइफ में नंदी जी का, इतना बड़ा सा और इतना वेल मेंटेन और इतना सुंदर. गाइज ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें कि मैंने आज ये नंदी टेम्पल को कवर किया है. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. एंड अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें. एंड उसके बगल में जो बेल आइकन आती है उसको टच करके सेलेक्ट ऑल कर लीजिए ताकि मैं जब भी अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. एंड ये रहा आसपास का एरिया इस नंदी टेम्पल का, हरा भरा बहुत सुंदर. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.